अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग सोप। यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए आपको 1 कप राइस, ये मैंने सोक करके रख लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें से बिल्कुल पानी निकाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंडर में पीस लेंगे, और इसका पेस्ट हम यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एलोवेरा जेल है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमारे पास पाउडर मिल्क है, और ये सोप बेस है हमारे पास, और इसी के साथ हम एक विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए। सबसे पहले हम राइस को पीस लेते हैं। ये देखें, हमने पीस लिया है, और ये देखें, ये इस टाइप का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसके हम 2 टेबल स्पून लेंगे, ये हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम राइस पेस्ट के डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे और पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये हमने एलोवेरा ऐड करा और इसमें पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। पाउडर मिल्क, ये फुल क्रीम मिल्क लिया, आप कोई सा भी इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसमें हम वाइटामिन ई ऐड करेंगे, ये देखें। और राइस आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, पोर्स फ्रिंग होते हैं आपके इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए, मैंने ये सोप बेस को कट कर लिया है, और इसको आप चाहें तो डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें या माइक्रोवेव में 20 सेकेंड्स रख लें। ये मैंने माइक्रोवेव करा, ये मेरे पास मेल्ट हो गया। अब हम इस मिक्सचर को जल्दी से इसमें डालेंगे, इसका पे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और किसी भी मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, तो मैं इसमें वेजलिन नहीं लगा रही हूँ। अगर आप कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ वेजलिन ज़रूर करिएगा उसमें पहले लगा के। ये देखें, ये हमारा राइस सोप रेडी है। ये थोड़ा सा मेरा मिक्सर बचा था राइस सोप का, तो मैं ऑरेंज सोप ऑलरेडी बना रही थी, तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक और सोप रेडी करा। ये देखें, हमारा राइस सोप ज़बरदस्त सा, ये देखें। और आप ये यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके इतने बेनिफिट्स हैं। आपके स्किन टोन अच्छी होने शुरू हो जाएगी, आपके पोर्स फ्रिंग होंगे, एक्सेस ऑयल अगर आपके स्किन पे आता है वो भी सेट होएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑरेंज एंड राइस सोप। अगर आपको ऑरेंज सोप की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास एंटी एजिंग सोप, वाइटनिंग सोप। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा होता है ये आपके स्किन के लिए। ये देखें, ज़बरदस्त से सोप रेडी हैं। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।